इसकी रिकॉर्डिंग लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते सर हैं। 194 IAS थोड़ा सा एक्सचेंज कर दीजिए सर, तो बिल्कुल, समझ नहीं आ 94 रहा आईएएस के बाद पहले जे पहले क्लियर कर ले, ठीक है। तो है। 194 जे क्या होता है सबको पता है, बहुत ही फेमस सेक्शन है, बिकॉज आप लोग भी जाकर कल को प्रोफेशनल बनोगे, तो इसलिए हमें ये टीडीएस का ये सेक्शन बढ़िया से समझ में आना चाहिए। टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, ओके, सेक्शन 194 जे। ये सेक्शन है किसके लिए, जैसे कि एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। पहली चीज तो वो टीडीएस काटेगा जो बंदा क्या है, इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। अगर तुम्हारा मान लो तुम अगर किसी को फीस दे रहे हो, तुम अगर किसी को सपोज करो तुमने अब सीए से अपने यहाँ अकाउंट्स मेंटेन करवाया है ना, और उसको तुम अगर फीस दे रहे हो, या तुम अपनी कंपनी का सपोज करो ऑडिट करा रहे हो, उसको फीस दे रहे हो, और वो एक फीस एक लिमिट से ज्यादा है, वो लिमिट कितनी है, लिमिट यहाँ पे दी हुई है 30,000 रुपीज। अगर वो 30,000 रुपीज से ज्यादा है तो बिल्कुल तुम टीडीएस काटोगे, टीडीएस काटने के बाद उसको पेमेंट करोगे। लेकिन अगर तुम इंडिविजुअल हो, एचयूएफ है, और तुम्हारा अकाउंट्स ऑडिट ऑडिट नहीं होता है, यानी कि तुम्हारा 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं है, प्रोफेशनल हो, तुम्हारा 50 लाख से ज्यादा की फीस नहीं आती है, तो ठीक है, फिर तुम्हें फिर टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि तुम उस केस में तुमको पेमेंट करते समय टीडीएस वीडीएस नहीं काटना है। लेकिन हाँ, तुम अगर कंपनी हो, फर्म है, एसोसिएशन हो, और तुम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो एक लिमिट से ज्यादा, तो जाहिर सी बात उस केस में टीडीएस काटना है। बाकी दे रखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ फीस, प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, डायरेक्टर फीस। तो हम लोग ये देखेंगे कि टेक्निकल फीस क्या होता है, ओके, प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होते हैं, सब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, किसको पेमेंट कर रहे हो तुम, जो भी है वो रेसिडेंट है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तब हम टीडीएस काटेंगे। कब टीडीएस काटेंगे, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, ठीक है ना। या तो हम क्या कर रहे हैं, उस एंट्री करते समय उसको क्रेडिट कर रहे हैं, या फिर कह लो उस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, जो दोनों में से पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले। अच्छा, टीडीएस किस रेट से कटेगा, 10% के रेट से कटेगा, है ना, इसमें कोई सरचार्ज से कोई लेना देना है नहीं। इफ द रेसिपियंट डज नॉट फर्निश पैन, अगर रेसिपियंट पैन नहीं देता है, तब जाकर के आपको पता है 20% टीडीएस काटना है। अब टीडीएस एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, तो टीडीएस टू बी, तो एग्जेम्पशन लिमिट अभी भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर ही चुके, 30,000। अगर किसी को भी अगर हम फीस दे रहे हैं और अगर वो कितनी है, 30,000 या उससे ज्यादा, तो हम टीडीएस काटेंगे, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया था, जो हम लोगों ने कंसीडर कल नहीं किया था, बट आज हम लोग कवर कर रहे हैं, कि नो एग्जेम्पशन लिमिट इन केस ऑफ डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस के केस में कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, यानी डायरेक्टर्स को अगर हम फीस अगर 10,000 भी देते हैं, 15,000 भी देते हैं, तो तुरंत टीडीएस काटना है, वहां कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती है। यस, अब हमें एक और चीज समझना होगा सर, एक क्वेश्चन था, अब पूछिए सर। सर इसमें जब कोई कंपनी अगर उसको जैसे प्रोफेशनल के लिए कोई ऑडिट करने आया है, उसको दे रही है, तो अगर 30,000 से ज्यादा दे रही है, तो टीडीएस काटेगी। बिल्कुल, तो उसका जो अमाउंट जो उसको मिलता है, तो उस अमाउंट पे वो फिर टैक्स नहीं देगा ना? ना ना ना, बल्कि हम उसको फिर एक सर्टिफिकेट भी देंगे ना, फॉर्म 16 है, सर्टिफिकेट कि भाई आपका इतना टैक्स जमा हो चुका है गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, तो वो सर्टिफिकेट फिर वो इनकम टैक्स फाइल करेगा, तब वो सर्टिफिकेट लगा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। यस सर, ठीक है सर, काफी दिमाग चला रहे हैं आप। अब देखिए आगे, अच्छी चीज है। प्रोफेशनल सर्विसेज, व्हाट इज प्रोफेशन, अभी हमको ये समझना है कि प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती है। तो प्रोफेशनल सर्विसेज में जस्ट लाइक सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ पर्सन इन द कोर्स और कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, ओके, इंटीरियर डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग, मॉडल्स, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा, है ना, और सच अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब प्रोफेशन में आते हैं। फिर हम लोगों ने एक बात कही थी, जस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग की बात करते, तो कहते कई बार कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है, प्रोफेशनल फीस में भी आता है। तो मैंने कल एक डिफरेंस बताया था, देखो कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशन में, यानी कि 194 अगर हम बात करें किसकी, सी की, और 194 जे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इस कन्फ्यूजन को आप बहुत ही ईजिली दूर भी कर सकते हो। वो दूर करने का क्या तरीका है,
आप बस देख लेना, अगर सिर्फ आप सामने वाला यानी कि जो बंदा है जो कंसल्टेंट है या जो अकाउंटेंट है वो सिर्फ अपना दिमाग लगा रहा है एडवर्टाइज जो एडवर्टाइजिंग हमारा कर रहा है स्किल उसका दिमाग लगा रहा है स्किल लगा रहा है तो जाहिर सी बात है वो 194J में जाएगा बिल्कुल सही। लेकिन वो अगर मटेरियल भी लगा रहा है तब वो 194C में जाएगा। जैसे मैं आपको घर बनवा रहा हूँ, मैंने आपको सब कुछ घर कह रहा हूँ सॉरी, सपोज करिए मैंने इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आपसे कहा, इंटीरियर डेकोरेशन समझ रहे हैं? ओके, घर का इंटीरियर जो डेकोरेट करना है। सर तो हमने कहा कि इंटीरियर डेकोरेशन करना है और हमने कहा भाई देखो भाई मैं कुछ खरीद के लाऊंगा, जो भी लाना है लगाओ, मैं बस पैसे दूंगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा 194C। लेकिन अगर एवरीथिंग मैं सारी चीजें उन्हें मटेरियल परचेज करके दे रहा हूँ, उन्हें बस क्या करना है चीजों को सही जगह पे सेट करना है, उसको अच्छे से लगाना है, तो दैट इज व्हाट। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं क्या 194J, कॉन्ट्रैक्ट। नहीं 194J में आएगा सब कुछ, तो हम मटेरियल तो सब दे अच्छा रहे हैं। ये अच्छा सब दे रहे हो। ठीक है ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज में क्या आएगा, रेंडरिंग एनी मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, ये टेक्निकल सर्विसेज में आ गया। अब इसमें रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का भी ध्यान देना होगा। कई बार आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि सीए ने, सीए को हमने ऑडिट करने के लिए कहा, सीए ने हमें ऑडिट फीस बताई कि 50,000 ऑडिट फीस है ना, और हम उसने बिल बना के जब दिया तो 50,000 ऑडिट फीस है प्लस 5,000 उसका पॉकेट एक्सपेंसेस का रिइंबर्समेंट हम लोग कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि 50,000 रुपये तो उसका वो था ऑडिट फीस था, और फिर 5,000 हम उसको पॉकेट एक्सपेंस का रिइंबर्स कर रहे हैं जो इधर उधर आने जाने में उसका जो खर्च हुआ है, तो टीडीएस कितने पे कटेगा, 50,000 पे कटेगा कि 55,000 पे कटेगा, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। तो देखो इस चीज को रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस पे ध्यान देना, और ये क्वेश्चन भी ज्यादा आता है एग्जाम में आपसे, दिमाग आपसे बार बार ये पूछा भी जाता है। इफ अ कंसोलिडेटेड बिल इज गिवन फॉर फीस एज वेल एज आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस द इंटायर अमाउंट इज सब्जेक्टेड टू टीडीएस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान देना सब लोग। अगर कंसोलिडेटेड बिल बना दे रहे हैं हम लोग, एक ही बिल में हम ऑडिट फीस का भी, सीए ने हमें बिल पकड़ाया, उसमें उसने ऑडिट फीस भी लिख दिया 50,000 रुपये, उसी में उसने पॉकेट एक्सपेंस भी लिख दिया 5,000 रुपये, देन क्या होगा, कितने पे टीडीएस कटेगा? सत्यम, होल अमाउंट पे अच्छा बिल्कुल पूरे 55,000 पे तुम टीडीएस काटोगे। बट अगर उसने दो सेपरेट बिल बनाए, इफ द सेपरेट बिल इज गिवन फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, पॉकेट एक्सपेंस का अलग बिल बनाया 5,000 का रीइंबर्समेंट के लिए और 50,000 का अलग बिल बनाया, तो फिर 5,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा, रिइंबर्समेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, सिर्फ ऑडिट फीस पे कटेगा। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान रहे आपका जो टैली में आता है ना लगाने के लिए, तो उसमें क्वेश्चंस में ही रहेगा जरूर पॉकेट एक्सपेंस वाला। सर, एक्टर किस में आते हैं, प्रोफेशनल में आते हैं ना कौन एक्टर? उसकी बात करनी, आप क्लियर नहीं हुआ सत्यम, तुमको समझ में आया क्या बोला? एक्टर्स का पूछ रहा है, एक्टर्स हाँ एक्टर्स प्रोफेशनल है कौन? भाई, एक्टर हाँ बिल्कुल सही है प्रोफेशनल, वो भी तो फीस ही लेते हैं, मैं होता है ना फिल्म के लिए इतना फीस लिया, प्रोफेशनल यस सर, यस सर। ठीक है, जॉब थोड़ी ना करते हैं, सैलरी थोड़ी ना कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 अक्टूबर 2017 को मिस्टर सुराना, मिस्टर सुराना एंड कंपनी इशूड अ बिल ऑफ टू संजीवनी लिमिटेड 45,000 एज ऑडिट फीस फॉर द 16-17। ठीक है, तो ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट हो गया 45,000 से टू मिस्टर सुराना एंड कंपनी, और 500 इनका टीडीएस कट गया, आईडीएस लिखा है टीडीएस होना चाहिए, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस 4,500। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये 194J का पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी तुरंत, फिर आगे बढ़े। तो सर रियल में अगर ऐसे ही होता होगा कि ऑडिट फी है तो कह देते होंगे लोग अलग से बिल बना दो 10,000 का, फीस ही है लेकिन दिखा दो मैं ऐसे बता तो दे रहा हूँ, टीडीएस नहीं मेरा कटे। ऑडिट का बिल बना कौन रहा है? ऑडिट का बिल कंपनी बना रही है, यही तो बना रही है सीए, सीए ना देगा, सीए या सीए फर्म, लेकिन हाँ वही खुद इतना नहीं। नॉलेजेबल है बंदा कि कैसे बिल बनाना है, कितने
कि हमारा उस पर टीडीएस हाँ ठीक है, तो उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ बाकी और जगहों पे हो सकता है, फॉर एग्जांपल तुम ही किसी का अकाउंटिंग देख रहे हो, ने अकाउंटिंग चार्जेस भी लिखा प्लस अब चूंकि उसने सामने वाली पार्टी ने कही थी कि ठीक है आप हमारा देवरिया ब्रांच की भी अकाउंटिंग कर दिया कीजिए, वहाँ आने जाने का जो खर्चा है वो अलग से ले लिया कीजिए। अब तुम जब पॉकेट बिल वो गलती से तुमने अगर उसमें ऐड करके दे दिया बिल में, तब तो पूरे पे वो टीडीएस काट, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं टीडीएस को। अब ये सब चीजें हम लोग जैसे टीडीएस टैली में हम लोग टीडीएस चार्ट सिर्फ ध्यान देते हैं, सही है कि नहीं सही है? लेकिन चार्ट में ये सब जो जो बारीक पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब नहीं ना मेंशन है, इसीलिए हम लोग इसको समझ रहे हैं। और आपको उसमें बस क्रक्स दिया है। और आपको बता दो स्टार्टिंग में टीडीएस के जो बच्चे ना जैसे टैली में तो खैर वो कर ले जाते थे, लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम होता था और जैसे वो टीडीएस वाला क्वेश्चन आते थे तो आधे बच्चे, मतलब आपको बता दूं 40 मार्क्स का होता था, कोई बच्चा 15 पा रहा है 20 पा रहा है, उसके आगे पाते ही नहीं थे। बिकॉज़ 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता था टीडीएस से। हाँ 40 मार्क्स का आता है टैली पे टीडीएस, सीधा सीधा बस टैली पे टीडीएस ही लगाना है। अब तो क्या किया उन्होंने, अच्छा हाँ टैली पे टीडीएस लगाना है ठीक है। हाँ। लेकिन अब क्या कर दिया, अब 30 नंबर का शायद ये कर दिया है टैली पे टीडीएस और 10 नंबर का आईटीआर कर दिया। अच्छा। तो भी मतलब अच्छे खासे ये फोकट के मार्क्स होते हैं, टीडीएस लगाना इतना बहुत बड़ा इशू नहीं, बहुत आराम से लग जाता है टैली पे, है ना। लेकिन उसके हाँ। लिए ये सब पॉइंट्स का पता हो, पॉकेट एक्सपेंस दे दिया तो तुमने क्या किया, तुमने टीडीएस उस पर नहीं काटा तो नंबर कट जाएगा। Yes, yeah. एग्जाम में तुम लोग के दिमाग के साथ खेला जाएगा टीडीएस के केस में, और कुछ नहीं। अब क्या है अगला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 194IA। ये मैं क्यों इसको इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, क्योंकि एक तो बहुत ही नया नवेला है ये, है ना। तो नया नवेला होने के कारण बहुत सारे लोग इस पे ख्याल मतलब ध्यान नहीं देते, लेकिन नया सेक्शन है और बहुत सारे लोग आजकल इसके बारे में पूछते भी हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसा कि यहाँ पे IA है, IA का मैं सबको शॉर्ट फॉर्म बता, इसको इमूवेबल एसेट, बिल्कुल सही इमूवेबल एसेट। तो अगर हम इमूवेबल एसेट अगर परचेज कर रहे हैं, है ना, बाय होम कौन पेमेंट करेगा, टू होम किसको करेगा, तो टीडीएस काटेगा। तो देखो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन for transfer of any immovable property other than rural agricultural land, rural agricultural land छोड़ दो, बाकी कहीं भी अगर तुम अगर लैंड अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि तुम बेच रहे हो, मतलब कि तुम खरीद रहे हो तो ऐसे केस में TDS कटेगा, है ना। तो मैं अगर पेमेंट कर रहा हूँ, मैं अगर सपोज कर कोई प्रॉपर्टी में 70 लाख की खरीद रहा हूँ और मैं पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ, है ना, तो मैं तुरंत टीडीएस काटूंगा। कितना टीडीएस काटूंगा? 70,000, दैट इज 1% 1% मैं टीडीएस काट लूंगा, यानी इसको 69,30,000 का पेमेंट करूंगा और ये 70,000 गवर्नमेंट को जमा करूंगा। कब कटेगा? जब पार्टी को क्रेडिट करोगे या फिर कह लो उसको पेमेंट करोगे, व्हिच एवर इज अर्लियर। हाँ पैन अगर नहीं सामने वाला देता है तो आप 20% टीडीएस काट लेना, ठीक। टीडीएस एग्जेम्प्शन 14 लाख, तो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा है भाई, गोजा पाती। चलिए आगे देखिए, टीडीएस एग्जेम्प्शन लिमिट, व्हाट इज टीडीएस एग्जेम्प्शन लिमिट? टीडीएस टू बी डिडक्टेड वेयर द कंसीडरेशन पेड पेबल एक्सीड्स, सॉरी ये क्या भैया हटेगा नहीं क्या ये? सर ये कौन किया है, ये आप लोग कर सकते हो क्या? सर कर तो सकते हैं, ये जो फोन यूज कर रहा है वही किया होगा, जो फोन से कनेक्ट किया होगा जिसका भी होगा। अच्छा वो ट्राई मार रहा होगा, जो मोबाइल फोन यूज कर रहा है उसी में से हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई नहीं। कोई ड्राइंग बना रहे हैं, होता है ना जैसे हम लोग जब बचपन में, हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे, स्कूल में हम लोग को नहीं बैठा दिया था सर कॉपी के साइड में, नहीं जब फील्ड में कभी कोई नेता लोग नहीं आते थे भाषण देने के लिए या हम लोग तो हम लोग को नीचे बैठा दिया था, तो बैठ के हम लोग घास तोड़ते थे और नीचे मिट्टी पे प्रिंसिपल साहब दो शब्द बोलेंगे और वो दो शब्द 2 घंटे
दो घंटा नहीं लेकिन हम 45 मिनट तो खा ही जाते थे, ये तो डेफिनेटली। हाँ वही ना, हम लोग भी खूब अच्छे अच्छे ड्रॉइंग और अगल बगल हम लोग बैठे सब लोग एक दूसरे, हम लोग कटी कुटा खेलते थे जब तक वो लोग बोलते थे। दोस्तों को शेयर भोजना जो आगे बैठा रहता था, यहाँ देखो कौन बैठा है, छोड़ो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, डॉन है डॉन। अब देखिए यहाँ पे टीडीएस एग्जेम्पशन लिमिट, ओके सो टीडीएस एग्जेम्पशन लिमिट, सॉरी कहाँ पे हम पहुंच गए, सॉरी हेलो भटक गया। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? हाईलाइट हमने किया, हमको समझ नहीं आया। अच्छा तुम हाईलाइट ठीक है तो फिर से बता दो, इतने देर में जाके बोलो, असली डॉन हो तुम। अभी भी बोल रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा अब जाके सुनाई दिया, सुनो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। TDS on purchase of movable property section 194 आइए हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कौन बंदा, देखो जो बंदा पेमेंट करेगा ना उसको TDS काटना है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, जो पेमेंट करेगा वो TDS काटेगा, है ना। और किसको पेमेंट कर रहा है, किस वजह से पेमेंट कर रहा है, क्योंकि वो कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है। अगर मैं अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी मान लो तुमसे खरीद रहा हूँ और तुम्हारी इमोवेबल प्रॉपर्टी कितने की है, सपोज करो 80 लाख की है, तो मैं जब तुम्हें पेमेंट 80 लाख का करूंगा, 80 लाख का पेमेंट करूंगा, तो मैं 1% TDS काटूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। यानी 80 लाख का तुम 1% कर लो, कितना आता 80,000 रुपए, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा 79,20,000, बाकी 80,000 जमा करा दूंगा गवर्नमेंट। हाँ और ये TDS जमा कहाँ होगा, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट। अब तुम्हें मोहसिन तुम्हें भी फायदा है ना कि चलो ठीक है तुम्हारा टैक्स जमा हो गया, तो अब क्या होगा, मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट दूंगा, वो उसको हम लोग बोलते हैं 16B। हाँ बिल्कुल 16B, 16B आपने पढ़ा होगा, सैलरी में फॉर्म 16 मिलता है, अदर देन सैलरी हो तो 16A मिलता है, 194IA के इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो 16B मिलता है, और 194IB हो तो 16C मिलता है। गुड, चलिए तो अब हाँ एक चीज है कि ये TDS कब नहीं काटूंगा, उस केस में अगर रूरल लैंड खरीद रहा हूँ आपका, गांव का कोई लैंड ओनर वो परचेज कर रहा हूँ और उस केस में 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट है, तो वहां पे ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है ना। किससे खरीद रहा हूँ, रेजिडेंट को, उसका पेमेंट में से TDS काटूंगा, ठीक है। बाकी 1% काटूंगा सबको पता है, और 20% किस केस में, 0.75 अगर आपने मुझे बिल्कुल सही। अब TDS exemption limit क्या है? समझ नहीं आया। क्या हुआ? समझ नहीं आया सर। हाँ कौन सा? Last sentence। Last sentence ये है कि अगर सामने वाले ने, यानी कि suppose करो मैं मोहसिन से कोई property खरीद रहा हूँ 80 लाख, तो मैंने उससे बोला कि भाई क्या है कि अपना पैन दे दो, क्योंकि मैं तुमको पेमेंट करूँगा, बहुत बड़ा पेमेंट है, तो पैन नंबर तो जरूरी है। बड़े ट्रांजेक्शन याद होगा आपने पढ़ा था पैन कब जरूरत होता, 10 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, 10 लाख या 5 लाख ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी हो तो पैन मैंडेटरी होता है। तो मैं तुमसे पैन मांगूंगा, तुम अगर पैन नहीं दोगे, आनाकानी करोगे, तो सीधा सीधा मैं 20% TDS काट दूंगा, और कह दूंगा जाओ जमा कर दिया, जाओ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, तो अपना टैक्स वापस ले लेना। ये तो सबको क्लियर है अब है? हाँ सर। यस सर, यस सर, क्लियर सर, ठीक है ना, क्लियर, आगे चलिए सर। ओके डन सर, थैंक यू। 10 लाख होता है सर पैन का, TDS एग्जेम्पशन 10 लाख ही है ना? ठीक, यस सर, जी सर। TDS to be deducted where the consideration paid or payable exceeding 50 lakh during the financial year, है ना, ये तो क्लियर हो गया सबको। एग्जेम्पशन लिमिट एग्जांपल दे रखा है, ऑन 1st नवंबर 2017 आदित्य परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम मिस्टर समीर of rupees 60,000 enter in the books of me Aditya जो भी है। अब देख लो क्या होगा एंट्री, बिल्डिंग परचेज करा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60 लाख टू समीर, 59,40,000 टू TDS अंडर सेक्शन IA 60,000। तो सिंपल सी एंट्री है, मेरे ख्याल से आपको एंट्री समझ में आ गई है। मोहसिन जरा ये पीला वाला जो है वो मिटा दो, ठीक है, अगर तुम सकते हो तो इरेजर होगा सर, वो मोहसिन भैया ही मिटा सकते हैं। हाँ वही मिटाएगा, इसीलिए बोल दिया। अब वार्निंग देखिए क्या है, नहीं हो रहा है। हाँ बेटा गोज दो,
ये भैया वहाँ जो पेन नहीं बना हुआ है जहाँ पर, वहां पर क्लिक करिए, पता है भैया इरेज कर रहे, नहीं हो रहा है। चलो चलिए, कोई नहीं कोई नहीं, जाने दो। वो सर जब मीटिंग एंड हो जाएगी ना तो अपने आप पड़ जाएगा। और कोई? हाँ अभी मीटिंग एंड होने वाली भी है। अब देखिए आप वार्निंग देना, वार्निंग भी हम लोग ध्यान देंगे। बस हो गया, मशीन रहने दो। जी सर, छोड़ दिया। असफल प्रयास। वार्निंग, व्हाट इज वार्निंग, चलिए देखते हैं। द रेट आर टू बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस 2%। सबको पता है जब टीडीएस कटता है, टीडीएस का सीधा सीधा रेट होता है कितना, 10%, 1%, 5% सीधे फ्लैट होता है। उसमें सेस, एजुकेशन सेस ये सब नहीं, सरचार्ज नहीं ऐड किया जाता। सिर्फ एक ऐसा केस है जहाँ पे एजुकेशन सेस, मतलब ये जो सेस होता है प्लस सरचार्ज होता है, उसको शामिल करके टीडीएस काटते हैं। और वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन कोई बताएगा? 192 सेक्शन। सिर्फ अंडर सेक्शन 192 है जिस, जो मतलब सैलरी के लिए बनाया गया। सैलरी में जो होता है वो टीडीएस कैसे कटता है, आपके स्लैब रेट के अनुसार आपका टैक्स निकाला जाता है, स्लैब रेट के अनुसार। हाँ, और उसपे सेस और सब जोड़ के, सरचार्ज जोड़ के, फिर जो टैक्स का अमाउंट टोटल आता है उसको 12 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड कर दिया जाता। और हर महीना टीडीएस कटता है। वेयर पैन ऑफ द डिडक्टिव इज नॉट अवेलेबल, अगर पैन डिडक्टिव नहीं देता है तो सबको पता है हमें क्या करना है, 20% या फिर जो टैक्स रेट है देख लेना, जो दोनों में से अधिक हो। TDS to be deducted on amount without including GST component if in terms of agreement contract it is on indicated separately. For example, दिया हुआ है क्या, if the total amount of rent is building is 2 lakh, हाँ तो सिंपल सी चीज है, GST component के ऊपर कभी TDS मत काटना। जैसे मान लो आपने, आपसे मैं ऑडिट करवाता हूँ, आप मेरे से ऑडिट फीस लोगे पक्का? मान लो 1 लाख, 2 लाख रुपए ऑडिट फीस हुआ, सपोज बिल्डिंग का केस नहीं लेते हैं, कोई और केस ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ऑडिट करवा रहा हूँ एक सीए साहब से, तो सीए साहब बोल रहे हैं सर 2 लाख रुपए आपका फीस होगा। मैंने कहा ठीक है सर, दे दूंगा फीस। तो उन्होंने जब ये बिल बनाया ना, तो बिल में 2 लाख के साथ साथ GST भी 36,000 रुपये 18% जोड़ दिया, यानी 2,36,000 का बिल काट दिया। अब मैं जब उसको पेमेंट कर रहा हूँ तो आपको पता है लिमिट से ज्यादा पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल फीस में 30,000 की लिमिट है, 2 लाख का पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं टीडीएस सिर्फ कितने पे काटूंगा, 10%, वो सिर्फ 2 लाख के अमाउंट के ऊपर, 2 लाख। बिल्कुल सही। अब लास्ट सेक्शन जो हम लोग का है वो है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट बाई सर्टेन इंडिविजुअल HUF, सेक्शन 194IB। ये आज हम लोग को कवर करना है फाइनली, ये लास्ट सेक्शन है हम लोग का। IA के बाद IB है, लेकिन ये IB किसके लिए बनाया गया, थोड़ा स्पेशल केस है, क्योंकि ऐसा केस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। TDS ऑन पेमेंट ऑफ रेंट बाई अ सर्टेन इंडिविजुअल HUF, हमने अभी भी पढ़ा कि नॉर्मली 194I जो कि रेंट के लिए है, TDS हम कब काटते हैं, नॉर्मली इंडिविजुअल HUF जब कभी किसी को रेंट देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहसिन है गोरखपुर में, मान लो रूम लेके रह रहा है ना, या अभय है गोरखपुर में रूम लेके रह रहा है, तो जब ये लोग रेंट का पेमेंट करेंगे तो कभी TDS नहीं काटेंगे। Yes, यही इंडिविजुअल HUF जो भी है, या बिजनेस मैन है ना, जो भी है आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं दुकान ले रखे हो, और उसका रेंट अगर 50,000 रुपये से ज्यादा होता है तो क्या लिखा है, अगर आप इंडिविजुअल HUF, नॉर्मली इंडिविजुअल HUF के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया है TDS काटने की, अगर उनका अकाउंट ऑडिट नहीं हो रहा है तो। लेकिन उस केस में उन्हें ऑडिट कराना, उस केस में उन्हें TDS काटना होगा अगर उनका रेंट कितने से ज्यादा होता है, 50,000 रुपये से ज्यादा एक महीने का। किसके पेमेंट में से TDS काटना है, रेजिडेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है। नाउ नेक्स्ट देखिए अगला, 5% नो सरचार्ज यहाँ पे दे रखा है, 5% TDS कटना है यहाँ पे। नॉर्मली तो रेंट पे 10% TDS था है ना, प्लांट एंड बिल्डिंग है तो 2% है, अदरवाइज 5% है TDS। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल HUF को बोला गया कि आप 5% TDS काटिएगा,
और अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो 20% टीडीएस काट लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको सेक्शन क्लियर हो गया 194 आईबी। तो आज भी हम लोगों ने तीन चीजें कवर की है। सर आईए आईए हाँ सर ये जरा दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट क्योंकि बुक में नहीं है। आईए वाला आईए और आईबी दोनों नहीं है। ठीक है आईए वाला स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हो गया सर। ओके अब ऊपर कर दे रहा हूँ। वार्निंग भी ले लो। हो गया सर। तो आईबी नीचे आई है। एक ये नहीं ना आ रहा था डॉट वाला। अब चलो अब ले लो ये। तो अब हम लोग को पढ़ना था नो डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। बैंक में अगर तुम्हारा 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट बनता है शीतल। हाँ शीतल सत्यम ला मैं शीतल बोल रहा हूँ तुम सत्यम बोल रहे हो। हाँ 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 तुम शॉट ले लिए हो ना व्हाट्सएप कर देना। हाँ ले लिए व्हाट्सएप व्हाट्सएप। हाँ चलो व्हाट्सएप ही कर दें। हाँ शीतल तुमसे कुछ पूछ रहा था है कि गायब हो गए। हाँ ये बोल रहा था सर है। ठीक है बैंक में तुम्हारा 10,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट बनेगा ठीक है तो बैंक टीडीएस काटेगी ना। हेलो आवाज नहीं आई शीतल। अच्छा ठीक है नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो सुरभि तुम बताओ। नहीं काटेगी बैंक टीडीएस नहीं काटेगी सर। बैंक टीडीएस। अच्छा बैंक देखो बैंक तो टीडीएस काटती है। हमने हम लोग बैंक को पेमेंट करेंगे तो हम नहीं टीडीएस काटेंगे। बैंक तो नहीं सर हम नहीं काटेंगे सारे। हाँ बिल्कुल सही। तो अगर मान लो हमने बैंक में पैसा एफडी कर रखा है बैंक में अगर हमने एफडी कर रखा है और एफडी पे इंटरेस्ट बन रहा है 25,000 रुपए तो बैंक टीडीएस काटेगी कि नहीं काटेगी। बिल्कुल हमने बैंक में एफडी किया बैंक से हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है 25,000 रुपए। बैंक हमें देगी 25,000 रुपए तो क्या 25,000 पे वो टीडीएस काटेगी कि नहीं काटेगी। नहीं सर टीडीएस काट के हमको पेमेंट करेगी। काटेगी तुम लोग क्या बैंक टीडीएस बिल्कुल काटेगी। अगर मान लो हमने बैंक से लोन लिया होता और हम अगर उसको इंटरेस्ट देते तो मैं जब तब नहीं काट हम नहीं काट सकते। ये चीज का ख्याल रखिए आप लोग। ओके ये सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा है कनेक्ट कर लेना फिर से आप लोग। ओके फिर हम लोग इसे डिस्कशन करेंगे। यप।